पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गंगा दशहरा के अवसर पर कृति फाउंडेशन की ओर से कटघर रेलवे स्टेशन गंगा मंदिर के पास पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर सभी को पौधारोपित करने का संदेश दिया गया। अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सैनी ने कहा कि पर्यावरण जिस तेजी के साथ प्रदूषित हो रहा है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, उससे बचने का एकमात्र साधन पौधारोपण है। सभी ने कहा कि किसी न किसी मौके पर एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए, तभी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। इस अवसर पर आर के सैनी, नेपाल सिंह, सुषमा सरन, अंकित चौहान, उमेश सैनी, आरती शुक्ला, प्रीति अग्रवाल, धर्मेंद्र अग्रवाल, नीरू आदि के साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे। दशहरे के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पौधारोपण किया है, ये हेल्पिंग हैंड कृति फाउंडेशन के जरिए और एवं क्या है आपकी पर्यावरण संचय समिति है, इसके नेपाल जी हैं और ये टीम है, सारी महिला टीम। देखा आप सुबह से यहाँ पौधे लगा रहे थे, तो एक संदेश देना चाहते हैं हम दशहरे के उपलक्ष्य में, पौधे लगाएं। मैं सभी महानगर वासियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे जो भी मौके हों, दशहरा हो या जो शुभ अवसर होते हैं, उस पर पौधे लगाएं पूरे महानगर में, क्योंकि पौधे लगाने से पर्यावरण शुद्ध होता है और पर्यावरण शुद्ध होने से जो आजकल हवा चल रही है वो जहरीली हवा है, वो शुद्ध हो जाएगी। हम जो हवा ले रहे हैं सांसों में जा रही है, जहरीली हवा जा रही है, पौधे लगाने से वो हवा शुद्ध होगी, हमारी सांसें शुद्ध हो जाएंगी। मैं ऐसे अपील करता हूँ पूरे महानगर वासियों से, सारे क्षेत्रवासियों से, कि हमारे साथ भी सहयोग दें और समय समय पर पौधे लगाते रहें। आज के टाइम को देखते हुए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज का वातावरण बहुत प्रदूषित हो गया है, इसके लिए हमारे बच्चे और सब में जगह जगह जनरेशन आजकल बहुत बीमार हो रही है। अगर हम आजकल आज के से ही अपने सचेत नहीं होंगे कि हमें पौधे लगाने चाहिए, और तो हम सही ऑक्सीजन का सेवन नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते सेवन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में और बीमारियों को बढ़ावा मिलता रहेगा। इसलिए हम मैं महानगर वासियों से अपील करती हूँ कि कुछ करें ना करें, पौधा रोपण जरूर करें और जीवन में एक पौधे का रोपण जरूर करें, क्योंकि आज का वो पौधा उनको आगे के उनके भविष्य को संवारेगा। दशहरे के गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर एक गंगा जी के किनारे पर पौधारोपण करने आए हम लोग, और हमारा बस एक यही एक एम है कि सभी को अपनी लाइफ में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि पौधा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रक्षक है, उसके द्वारा हम लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं। बाकी ये जो ऑक्सीजन की फैक्ट्रियाँ हैं, इन ऑक्सीजन की फैक्ट्रियों को अगर हम लगाते रहेंगे तो जब कभी भी अगर हम बीमार होते हैं, पहली बात तो हम बीमार नहीं होंगे, क्योंकि हमें स्वच्छ मौसम मिलेगा, स्वच्छ पर्यावरण होगा हमारा, तो हम भी स्वस्थ होंगे। हम यही कहना चाहेंगे, जब भी कोई भी खुशी का अवसर हो या कोई स्मृति दिवस हो तो आप अधिक से अधिक पौधे लगाएं। आज गंगा दशहरा है तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि गंगा, हमारी रामगंगा नदी जो कि मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे है, वो इसी नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर पानी की कमी होती जा रही है, अगर पौधे लगाएंगे तो पानी भी जो है हमारा जल संरक्षण होता रहेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।